फ्रेंड्स, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आपका जायका प्यार का में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए यूपी स्टाइल चोखा बाटी विद हांडी दाल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चोखा बाटी और दाल बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आलू, जिसे हमने धो लिया है, दो बैंगन, दो टमाटर और नमक, लाल मिर्च का अचार, हरी मिर्च और तेल, कच्चा सरसों का तेल। इसके साथ ही हमें जरूरत पड़ेगी चोखा बनाने के लिए प्याज की। दो प्याज जो है वो हम चोखे में डालेंगे और एक प्याज को हम दाल में डालेंगे। आगे बताऊंगी कैसे कैसे प्रोसेस है। ये मेरी दादी का स्टाइल है। और जरूरत पड़ेगी हमें दाल बनाने के लिए दाल की, डो बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी हमें आटा, देसी घी का मोयन देंगे, सोडा और नमक की। इन सब चीजों के साथ हमें जरूरत पड़ेगी दाल को छौंका लगाने के लिए जीरा, हींग और लहसुन की। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल बनाएंगे तो हम इसमें तेल लगाएंगे, दाल में हम सरसों का तेल लगाएंगे। इस स्टाइल से मेरी दादी बनाया करती थी और बहुत अच्छी दाल बनती है, टेस्टी। तो आज मैं आपको बता रही हूँ और जरूर बना के देखिएगा। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 1.5 गिलास पानी। गैस को ऑन कर देंगे। अब हम इसे एक प्लेट से ढक देंगे। जब तक इसमें बॉयल आता है तब तक हम चोखे की तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने चोखा बनाने के लिए आलू, बैंगन और टमाटर में तेल लगा लिया है और अब हम इसे भुनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके सारे आलू भून लेंगे। और ये देखिए, हमारी दाल का पानी जो हमने रखा था ये बॉयल हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे दाल जो हमने तेल लगा लिया था। इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, इसको हिला देंगे जरा सा। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। और थोड़ा एक प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ। इससे हमारी दाल बहुत ही अच्छी मीठी बनेगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसको पलट देंगे।
इसका झाग ये जो निकला है ये निकाल देंगे। फ्रेंड्स, दाल उफनने लगी थी तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया था। अब मैं फिर से गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम पर फ्रेंड्स हमारे टमाटर हो गए हैं तो हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। बैगन बीन हो गया है, इसको निकाल लेते। तेल लगाने से इसके छिलके जो हैं बहुत इजली निकल जाते हैं। अभी आलू हमारा नहीं हुआ है तो इसको भी नहीं निकालेंगे, और जो बाकी के बचे हुए आलू हैं उन्हें हम रख देते हैं। आलू को चेक करते हैं, अभी नहीं हुआ है। आलू भी जब हमारे अच्छे से भून जाएंगे तब हम चोखा बनाएंगे। दाल को हम इसी तरह पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। और चलिए अब हम डो बनाते हैं बाटी का। फ्रेंड्स, बाटी के लिए हमने गेहूं का आटा लिया है और अब हम इसमें थोड़ी सी जगह बनाते हैं। इसमें हम डालेंगे सोडा, नमक और मोयन। फ्रेंड्स, हमने इसमें नमक, सोडा और मोयन दे दिया है। फ्रेंड्स, मोयन और सोडा डालने से हमारी बाटी बहुत स्पंजी बनती है। चलिए अब इसे मारते हैं। फ्रेंड्स, हमारा डो बनके तैयार है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे 20 मिनट के लिए, उसके बाद बनाएंगे बाटी। फ्रेंड्स, देखिए हमने आलू, बैगन और टमाटर को मैश करके ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, नमक स्वादानुसार, हरी मिर्च, ऑयल डालें। आप अपनी इच्छा अनुसार डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें। और मिर्च का अचार। हम इन सब को हाथ से मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये बहुत ही टेस्टी चोखा बनके तैयार होगा हमारा। फ्रेंड्स, हमारा चोखा बनके तैयार है। अब हम इसे ढक के रख देंगे और चलिए दाल की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारी दाल बनके तैयार हो गई है। जो डो बना के हमने रखा था उसकी हम बाटी बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम देसी घी लगाएंगे जरा सा।
इसी तरह हम सारी बाटियां बना लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे बाटी बनाने के लिए और बाटी मेकर को प्री हीट करेंगे। हमारा बाटी मेकर है ये, इसको प्री हीट करेंगे। आंच फुल रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारी बाटी मेकर प्री हीट हो चुका है। अब हम इसे लो टू मीडियम कर देंगे इसकी फ्लेम को और इसमें रखेंगे बाटियां जिन्हें हमने घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। हम इसे पलटेंगे। देखिए, एक साइड से हो गया है हमारा बाटी, दूसरे साइड भी ऐसे ही सारी बाटियों को हम पलट लेंगे। फ्रेंड्स, अब छौके के लिए हम डालेंगे घी। इसमें डालेंगे लहसुन, फ्लेम को मीडियम रखेंगे, डालेंगे मिर्च हरी, हींग दो चुटकी, जीरा। जीरे को गोल्डन करेंगे हल्का सा। लहसुन जब हमारा गोल्डन हो जाएगा तब हम इससे दाल छौकेंगे। हमारा देखिए लहसुन गोल्डन होने लगा है। अब हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें छौका लगाएंगे। हमारी दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। फ्रेंड्स, देखिए ये बाटी हमारी फट गई है। दैट मीन्स हमारी बाटी पक करके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा दाल बाटी चोखा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इसे सर्व किया है हमने लाल मिर्च के अचार के साथ। आप भी बनाएं और खाकर जरूर बताएं कि कैसा बना। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।